क्या वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर रही? तुम्हारा इरादा तो एमफिल करने का था ना? इरादा बदल गया अब मेरा। क्यों? बस वैसे उसी के अंदर एक एनवेलप भी था। जो आपने मुझे दिया था उसमें डिवोर्स पेपर्स थे। मैं वहीं भूल आई थी। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा तुम्हें वो पेपर्स, तुम फिक्र नहीं करो। मैं इंतजार करूंगी। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया और हमें बताया तक नहीं। डैड, मैं यही बताने के लिए तो आपके पास आई हूँ। फिर इसकी भी क्या जरूरत थी? अमेरिका पहुंचकर हमें ईमेल भेज देती, माँ को कोई लेटर लिख देती। शायद यही अहमियत है तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स की। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये फैसला आप दोनों के लिए ही किया है। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो इस सब को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मुझे परेशान देखकर आप दोनों हर वक्त परेशान रहें। इसलिए मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। तो क्या हम डिप्रेस नहीं होंगे? ऐसा नहीं होगा, फिर एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। डैड यहाँ रहूंगी तो हर वक्त हमदान के बारे में सोचती रहूंगी। और वैसे भी डैड मैं चाहती हूँ कि किसी इंसान पर नहीं, मैं अपने फ्यूचर पर फोकस करूँ, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है। गुड़िया बेटा तुम फिक्र मत करो, हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाए। फ्लाइट कब है तुम्हारी? इस वीकेंड पर। ये तो टाइम बहुत कम है, अभी तो तुमने पैकिंग भी करनी होगी ना? जी। अमजद देखिए प्लीज, गुड़िया को खुशी खुशी जाने दें, ये मत करें आप। हाँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाह रही है। मैं तो चाहती हूँ कि इसके जाने से पहले ना हम एक बहुत खूबसूरत और शानदार सीना फेयरवेल पार्टी दे दें घर पे, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। प्लीज बताएं क्या? हर 6 महीने बाद आओगी। मैं जितना भी अच्छा खाना बना लूं, साहब फिर भी खाए बगैर उठ जाते हैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? जब से आप गई हैं साहब बहुत उदास रहने लगे। ये बात उन्होंने आपको कही है? हर बात जबान से नहीं कही जाती है ना बीबी, सालों से उनके साथ हूँ, उनका नेचर जानता हूँ मैं, इसीलिए आपसे पूछ कर हाड़ियाँ बनाता हूँ ताकि साहब किसी रोज पेट भर कर खाना खा ले। और अब तो गुड़िया बीबी का डर नहीं है मुझे, साहब ने उन्हें भी मना कर दिया। किस बात से? शादी से और किस बात से? रमजानी चाचा ये क्या कर रहे हैं? जी साहब जी, आप कब आए साहब जी? जब से आप फोन पे दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं घर की, तब से खड़ा हूं यहां पे। अंदर आए, ऐना का कुछ सामान है कोरियर करना है। ठीक है साहब जी, आप चले मैं आता हूं। जल्दी आए आप। चले साहब जी, मैं आता हूं। एमा बीबी मरवा दिया। मैं आपसे बाद में बात करता हूं साहब जी, बहुत गुस्से में। साहब जी ये क्लिप देखकर कुछ याद आया, एना बीबी की आदत थी ना बेध्यानी में अपनी चीजें इधर उधर फेंकने की। hmm.
याद है वो दिन भी याद है जब गुड़िया आई थी और मुझे ये क्लिप छुपाना पड़ा था। ऐना बीबी के जाने के बाद आज पहली दफा आपके चेहरे पे हंसी देखी, वो भी ऐना बीबी के जिक्र पर। इस बात का क्या मतलब है अंबानी चाचा? अब तो गुड़िया बीबी का भी कोई मसला नहीं है साहब जी, आप ऐना बीबी को ले आए ना, ना आपके बगैर वो खुश है ना आप। आपको कैसे मालूम है कि वो खुश नहीं है? उसने बताया क्या? मुझे तो बताती हैं, रोजाना फोन करके, दो दो दफा फोन करके आपकी खैरियत मालूम करती हैं। साहब ने क्या खाया क्या नहीं खाया, आपकी बड़ी फिक्र रहती है उनको। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी लगती है। अगर असल में फिक्र होती तो बात तो करती है। तो आपने कौन सा उनका हाल पूछा साहब जी? आपसे शिकायत की क्या उसने? नहीं नहीं, शिकायतें क्यों करेंगी, वो ऐसे नहीं है। आखिर 10 साल से आपके साथ रह रहा हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है ना साहब जी के अच्छे और बुरे की पहचान करा सकूं। साहब जी कोई आया, आप बैठे, मैं देखता हूँ। मैं ऐना से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा किया। कैसी रही मुलाकात? बहुत बदल गई है वो, कॉन्फिडेंट हो गई है। उसी तरह जिस तरह की लड़कियां मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसने खुद को तुम्हारे रंग में ढाल लिया। जैसा तुम चाहते थे वैसी हो गई है। अब तो तुम्हें कोई मलाल नहीं होगा, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि तुम किसी अजीब सी मिडिल क्लास लड़की के साथ, है ना? उसके साथ चलते हुए कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन वो खुश नसीब मैं नहीं, तुम हो हमदान। क्या मतलब रजा? तुम क्या कहना चाह रहे हो मैं समझा नहीं। मैं वाकई सब ठीक करना चाहता था, की बार उसको दिल से अपनाना चाहता था। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा ज्यादतियां कर दी, कहना मुझ पर अब भरोसा नहीं कर सकती। मुझे लगा था शायद उसके दिल में अभी तक मैं हूंगा, लेकिन मैंने उसका दिल सिर्फ वक्ती तौर पर जीता था। उसके दिल में अपना घर नहीं बना सका। उसके दिल में तुम हो हमदान, उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स। मेरी तरह गलती करके बाद में पछताना मत। क्या
उसने तुम्हें इनकार कर दिया। इनकार तो दूर की बात, मुझसे नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती।